नमस्कार दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जिसमें आपका एच पी यू बी एड कोचलिंग पर एक बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे जैसे आप यहाँ पे थंबनेल पे भी देख सकते हो बी एड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक अंक के साथ हटी बी एड प्रवेश परीक्षा में कम अंक लेने वाले विद्यार्थी भी होंगे दाखिले के लिए पात्र तो अभी मैंने यहाँ पर जो आपका बी एड राउंड की मोपअप राउंड की काउंसिलिंग चली हुई है इसके बाद आप इन फर्दर क्या होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे उस पर एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है इसी के साथ दूसरे आपके कुछ एक अपडेट हैं उनके बारे में जो है वो बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट अगर यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो है वो एम नर्सिंग की पचास प्रतिशत सीटें जो हैं वो भर गई हैं तो आपका जो अटल मेडिकल कॉलेज है नैरचौक मंडी में तो उसके यहाँ पे काउंसलिंगें चली हुई थी तो यहाँ पे कुछ एक आपके प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस थे और यहाँ पे कुछ एक जो है वो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस थे तो जिसमें जो है वो पचास पचास प्रतिशत सीटें जो है वो भर गई हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद अब इसके बाद जो पचास सीटें रहती हैं उसके लिए जो है वो अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो होगी तो उसके बाद ही वहाँ पे उन सीटों पे जो है एडमिशन मिलेगी इससे पहले जो है वो इन जो भी आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी है नैरचौक मंडी में उसके अपडेटेड आती हैं तो उनकी यहाँ पे पचास पचास सीटें जो फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में भर गई हैं अब जो रहती हैं वो यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में भरी जाएंगी जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे तकनीकी शिक्षा विभाग में जो है वो भरे जाएंगे एक पद तो हिमाचल प्रदेश में जो तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे है, युवा हैं उनके लिए यहाँ पे एक खुशखबरी है क्योंकि यहाँ पे जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वहाँ पे एक पद जो हैं वो भरे जाएंगे जिसके लिए जो हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पे कर्मचारी चयन योग हमीरपुर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे उनतीस अक्टूबर जो है वो रखी गई है इसमें जो है वो बत्तीस विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में एक पद जो हैं वो भरे जाएंगे जिसमें जो आपके इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीसियन के सबसे ज़्यादा बत्तीस पद हैं इसी के साथ साथ इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर के पद हैं इंस्ट्रक्टर फीटर के इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल मोटर व्हीकल के इंस्ट्रक्टर टर्नर के इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के यहाँ पे पद हैं इसी के साथ लाइब्रेरियन पॉलिटेक्निकल लाइ लैबोट्री टेक्नीशियन, लैबोरेटरी असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पंप ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर नील वर्क इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग के दो दो पद भरे जाएंगे इसी के साथ इंस्ट्रक्टर बेसिक आपके यहां पे कार्समेटोलॉजी इंस्ट्रक्टर स्किन केयर इंस्ट्रक्टर सर्वेयर वहीं इंस्ट्रक्टर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज इंस्ट्रक्टर डिजिटल फोटोग्राफर इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल के एक एक पद जो है भरे जाएंगे और सारे जो है आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे तो ये जो पोस्टें हैं ये आपकी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरी जाएंगी तो आप जो है वो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे आई बटन पर दे दूंगा तो वहाँ पर जाकर जो है वो आप चाहिए कर सकते हो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि एच पी यू यू जी रिपेयर फेल स्पेशल चांस वालों स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कब होंगे तो आप लोगों को मैंने पहले भी वी वीडियो के तीन चार दिन पहले भी वीडियो के थ्रू बताया था कि आपके स्पेशल चांस वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म यहाँ पर भरने स्टार्ट हो गए हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से ईयर वाले या कौन कौन से सेमेस्टर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अभी तो उनके एग्जाम आप जो है वो आपके फॉर्म में अक्टूबर में अभी भरने स्टार्ट हो गए हैं तो आप जल्दी से अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम जो है वो मे वी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यू जो इस इस ईयर रिजल्ट निकला था बी ए बी एस सी बी कॉम का तो वहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स को रिअपेयर आई हुई थी नीट मीनस उनको कंपार्टमेंट थी और कुछ एक स्टूडेंट यहाँ पे जो थे वो वाई बैड लक के यहाँ पर फ़ेल हो गए थे तो अब उनकी एग्ज़ाम भी जो है वो अभी उनके लिए नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कि मतलब उनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं तो उनका फॉर्म भी जल्दी ही भरने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आप अपनी आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पे चेक करते रहिए कि अप्लाई फॉर एग्ज़ाम के लिए ऑप्शन आ तो नहीं गया है मेरे पास ऐसे आई है नहीं तो नहीं तो मैं ही कर देता लेकिन आप अपनी आई और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पर चेक करते रहिए आपके लिए ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है मे बी वो इस मंथ आ ही जाए जल्दी बिकॉज आपके जो भी यहाँ पे जो अभी इस बार फेल हुए हैं स्टूडेंट या ये पेयर हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी यहाँ से करना स्टार्ट कर दीजिए मतलब आपके अक्टूबर में तो नहीं होंगे नवंबर लास्ट तक या जो आपका दिसंबर फर्स्ट यहाँ पे वीक है वहां से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो जो भी इस बार फेल हुए हैं जिनको भी रिपेयर वो अपनी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर दें अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एच पी यू बी एड काउंसलिंग की तो बी एड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक की शर्त हटी बी एड प्रवेश परीक्षा में कम अंक लेने वाले विद्यार्थी भी, भी होंगे दाखिले के लिए पात्र तो जैसे ही हम लोग अभी बी एड के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे हम रोज़ इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ बात करते हैं जैसे मैंने पिछले कल ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो आपकी अभी ये काउंसलिंग चली हुई है बी की मोप राउंड तो इसके बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी तो उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था जैसे हमने कल प्रोडिक्शन नहीं करी थी वो प्रोडिक्शन हमने उस बेस पे करी थी कि जैसे प्रीवियस में भी जो है वो सीटें खाली रह जाती थी तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे काउंसलिंग होती थी ओपन राउंड तो इस बार भी सेम वही प्रोसीजर था वही सारी बातें चली हुई तो इट मीन्स कि इस बार भी काउंसलिंग जो होनी ही है तो उसके लिए यहाँ पे एक मतलब अपडेट आया हुआ है तो अब इसमें जो आपकी ओपन राउंड काउंसलिंग होती होगी मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें ना तो कैटेगरी होती है कोई मतलब वो ओपन राउंड ही होती है जहाँ पे चाहे किसी के कितने भी म, मतलब मार्क्स क्यों ना आए वो एंट्रांस टेस्ट में वो अप्लाई कर सकता है चाहे उसके वहाँ पर बीस नंबर ही क्यों ना आए हो वो भी वहाँ पर अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पर वो शर्त हट गई है कि मतलब फोर्टी वाला ही कर पाएगा या जनरल के लिए वहाँ पर फिफ्टी तक ही अप्लाई कर पाओगे तो वो सारी शर्तें यहाँ पर हट गई हैं अब जिसने भी एंट्रांस टेस्ट दिया होगा वो 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 यहाँ पर ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई जो है वो कर सकता है इसी के साथ जो स्टूडेंट यहां पे जो है वो यहां पे कैटेगरी भी नहीं रहती है कि यहां पे मतलब जनरल को ही सीट मिलेगी या सी को ही सीट मिलेगी ओ बी सी को ही सीट मिलेगी तो यहां पे जो कैटेगरी है वो भी हट जाती है मतलब ओपन राउंड काउंसिलिंग होती है जहां पे जिसके जितने मार्क्स होंगे उसको वहां पर उतनी ही सीट मिल जाएगी अब इसमें अगर इस न्यूज को हम पूरी तरह से देखें तो आप यहां पर देख सकते हो प्रदेश के निजी और सरकारी बी कॉलेजों में खाली रहने वाली सीटों को भरने के लिए छह अक्टूबर के बाद शुरू होने वाले अंतिम राउंड में प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक की शर्त हटा दी जाएगी तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पांच तक जो है वो आपकी यहां पे काउंसलिंग जो है वो चलेगी मोपअप राउंड की अब पांच के बाद जो है यहां पे सीटें खाली तो हंड्रेड वन परसेंट सियोरिटी है कि सीटें खाली रह ही जाएंगी जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि जो मोपअप राउंड काउंसलिंग होगी मतलब यहाँ पे चार राउंड पूरे हो जाएंगे और इस राउंड के लिए एक हज़ार से कम ही सीटें खाली रहने की उम्मीद है तो मैंने आपको पहले बोला था उन्नीस खाली सीटों के लिए मोपअप राउंड में एडमिशन होनी है मतलब उन्नीस सीटों के लिए यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट आई हुई है इट मीन्स की अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं उन्नीस सीटों के लिए तो आप देख लो उन्नीस सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप रख लो मतलब हम अगर यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी रख ले तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बारह तेरह सौ सीटें भर जाएँ मतलब इतनी भरेंगी नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मैं जैसे मैंने मतलब पहले देखा था प्रीवियस में जितनी भी काउंसलिंग होती थी तो आप यहाँ पर रख लो मतलब एक हज़ार या ग्यारह सौ के करीब करीब सीटें जो हैं वो भरेंगी अभी भी आपकी यहाँ पे सात आठ सौ सीट जो है वो खाली रहने ही वाली हैं अगर यहाँ पर सात आठ सौ के करीब मतलब आप सात सौ भी लगा लो तो मतलब सात आठ सौ के बीच सीटें अभी खाली रहने ही वाली इससे ज़्यादा भी रह सकती हैं जैसे मतलब वहाँ पर होता है तो यहाँ पर जो है वो उसके बाद आपकी यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग होगी अब ओपन राउंड काउंसलिंग में ऐसा होता है कि वहाँ पर आपने अगर मतलब वही उस काउंसलिंग में वो अप्लाई तो नहीं कर पाएगा जिसने बी एड का ट्रांस टेस्ट नहीं दिया हो लेकिन वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ट्रांस टेस्ट दिया हो चाहे फिर वहाँ पे उनके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो सपोज़ वहाँ पे अगर उनके 20 मार्क्स हैं तो वो भी वो अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी भी नहीं रहेगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि वे जनरल के लिए रिजर्व है ओबीसी के लिए रिजर्व है या एससी के लिए रिजर्व है एस के लिए रिजर्व है वो ओपन राउंड काउंसिलिंग होगी जहाँ पर जहाँ जिन जिन कॉलेजों में सीटें खाली होंगी आप वहाँ पर जाओगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे और एडमिशन आपको मिल जाएगी तो आप जैसे आप कुछ एक र्यूमर्स भी चले हैं कि कुछ कॉलेजेस वाले वो वा बोल रहे हैं कि सीटें भर गई हैं या ऐसा ही या वैसा है तो वो कॉलेजेस वाले इसलिए बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप वहाँ से मैनेजमेंट सीट ले लो आप उनको ज़्यादा पैसे दो तो इस अभी इसमें चक्कर में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है अगर मैनेजमेंट सीट लेनी ही है अगर सीट नहीं बचती है तो आप जो है वो ओपन डाउन काउंसलिंग के बाद ऐसा इसके बारे में सोच सकते हो लेकिन इससे पहले किसी ने भी अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो ऐसे काम नहीं करने बिकॉज यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पर पूरी की सीटें भर चुकी हैं जो भी कॉलेज आप बोल रहे हैं वो ऐसे ही मतलब यहाँ पे र्यूमर्स फैला रहे हैं झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको यहाँ मैनेजमेंट आप सीट उनसे ले लो और आप मैनेजमेंट सीट लोगे तो उनको फायदा हो जाएगा तो मतलब ये सारे रीमर्स हैं अभी आप वेट कर लो जिनको अभी एडमिशन नहीं मिली है वो वेट कर लो मोप अप राउंड होने दो उसके बाद छः सात तक यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद जो है वो आपकी यहाँ पे ओपर राउंड काउंसलिंग जो है वो चल पड़ेगी तो मैं आपको आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे छः सात सौ आठ सौ के करीब जो है सीटें वो खाली रहने ही वाले हैं अभी ये प्रोडिक्शन ही है लेकिन मतलब अप्रोसीटली इतनी सीटें खाली रहेंगी ही रहेंगी और इसके लिए जो है वो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे सात आठ नौ तक देखने को मिल जाएगा तो अभी मैनेजमेंट सीट के चक्कर में आप ना पड़े आप वेट कर लीजिए सीटें बच जाएंगी फिर जो ये भी हो सकता है कि आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल जाए वहाँ पे सीटें कम खाली हो तो वहाँ पे मतलब ये और ये जो काउंसलिंग इसमें एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग जो होती है ये ऑफलाइन काउंसलिंग ही होती है यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो फिर आपको अलॉटमेंट लेटर लोट हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है आपने जस्ट जैसे इस यहाँ पे वैकेंट सीटों की लिस्ट आएगी आपने देख लेना कि जहाँ जहाँ भी आपने एडमिशन लेनी वहाँ पे सीट खाली है या नहीं है अगर वहाँ पे सीट्स खाली है तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे और आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी हाँ अगर ऐसे इस केस में हो सकता है कि मान लो वहाँ पर पाँच सीटें खाली हैं और वहाँ पर पंद्रह लोग पहुँच गए एडमिशन के लिए फिर मेरिट बनेगी फिर जहाँ जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको पहले दे सीट दे दी जाएगी अगर केस ऐसा है कि पाँच सीटें खाली और वहाँ पे लोग दो ही पहुँचे हैं तो उन दोनों को सीटें मिल जाएंगी तो मतलब वहाँ पर है कि जो भी आ गया पहले उसको वहाँ पर सीट मिल ही जाती है तो आपने अभी वेट कर लीजिए ओपन राउंड सीट काउंसलिंग होगी सात आठ सौ के करीब सीटें जो वो खाली रह ही जाएंगी और आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने की मतलब मतलब पोस्ट मोस्ट प्रोबली चांस है तो मतलब आप रख लो कि भी, मतलब यहाँ पे जो है जनरल तक तो मतलब फिफ्टी फोर्टी एट तक भी एडमिशन मिल जाती है ओपन राउंड काउंसलिंग में जैसे मैंने देखा मतलब मैक्सिमम कॉलेज में कॉलेज में तो नहीं हो पाता कि मतलब हर एक कॉलेज में ही यहाँ पर फिफ्टी जाए ऐसा ये पॉसिबल नहीं है मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ऐसे ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ ऐसा है कि जैसे आपकी एडमिशन आपने लेनी हो तो वहाँ पे मतलब कुछ एक है कॉलेजेस हैं वहाँ पे फिफ्टी फोर्टी एट फोर्टी सेवन तक भी चली जाती है कुछ एक कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि मोप जो आपकी ओपन राउंड काउंसलिंग होती है उसके बाद भी वहाँ पे सीटें जो खाली रह ही जाती हैं तो मतलब यहाँ पे उसके बाद जो है वो बिना जिसने एंट्रांस चार्ज नहीं भी दिया होगा उसको भी एडमिशन मिल जाती है जब खाली ही रह जाएगी सीट तो फिर एस बोल देता है कि आप पैसे भर लो तो मतलब अभी आपने आप टेंशन कोई लेने की कोई बात नहीं है जिनके फिफ्टी फोटी एट फोटी सेवन तक है उनको भी इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी हाँ ये हो सकता है उनको अपनी पसंद का कॉलेज ना मिले ये मैं बात बोल रहा हूँ कि उनको अपनी पसंद का कॉलेज ना मिले लेकिन वहाँ पे उनको एडमिशन मिल जाएगी ये गारंटी है क्योंकि अभी ज़्यादा सीटें खाली रह ही जाती हैं तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है फिर मुझे वहाँ पर पर्सनली इनबॉक्स कर देना जहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट अगर आप लोगों को वीडियो इफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें धन्यवाद